हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए इस वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज के इस वीडियो में उत्तराखंड के 10 जगह टॉप 10 प्लेसों की बात करेंगे जो टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे और बहुत ही अच्छी नज़ारा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। उत्तराखंड भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय स्थल है जहाँ हिल स्टेशन के साथ साथ कई सारे तीर्थ स्थल भी हैं, और इसी राज्य में हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पावन मानी जाने वाली नदियों में से दो नदियां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है, जहां हर साल अलग अलग जगहों से बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड की उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले ऋषिकेश के बारे में बात करेंगे। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह गंगा के साथ साथ हिमालय की तलहटी में कई प्राचीन और भव्य मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह लोकप्रिय कैफे योग आश्रम भी है। आपको बता दें, पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटक स्थल ऋषिकेश को भारत के एडवेंचर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है, क्योंकि यहाँ व्हाइट वाटर राफ्टिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग, बंजी जंपिंग आदि के शानदार एक्टिविटीज देखने को यहाँ मिलता है। दूसरी बातें कर लें नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड राज्य के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है, जो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल है जिसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति सुंदरता और झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध उत्तराखंड नैनीताल बर्फ से ढकी पहाड़ियों और शांत झीलों की वजह से पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। तीसरी बात करें मसूरी। मसूरी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी खूबियों और विशेषताओं के लिए अपनी आकर्षित करता है। आपको बता दें, मसूरी क्वीन ऑफ द हिल के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7000 फीट है। मसूरी पर्यटकों को एक शांत और सुखद जलवायु का अनुभव कराता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड का पर्यटन स्थल बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बीच नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है। चारों धाम में से एक ये तीर्थ स्थल भी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख विभिन्न वेदों में भी किया गया है। बद्रीनाथ का उल्लेख हिंदू परिजनों और कथाओं में से विशेष रूप से किया गया है। इसके बाद हम बात करें हरिद्वार की। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित है। एक खूबसूरत प्राचीन शहर बसा हुआ है। आपको बता दें, यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त पवित्र गंगा नदी के डुबकी लगाने आते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध कुंभ के मेले में आयोजन किया जाता है। इस कुंभ के मेले में शामिल होने से पूरे भारत वर्ष से पर्यटक आते हैं। कुंभ का मेला हरिद्वार के अलावा भारत के मात्र 3 शहर प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में हिमालय की तलहटी के बीच में स्थित है। यह एक आकर्षक नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजातियों का निवास स्थान बनाया गया है। आपको बता दें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगभग 580 पक्षियों की प्रजातियां हैं, 50 प्रजातियों के पेड़ और जानवरों की लगभग 50 प्रजातियां अवेलेबल है वहां। यह पार्क लगभग
500 से अधिक वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, यमुनोत्री। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में से एक यमुनोत्री यमुना नदी की उत्पत्ति के रूप में श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष पर्यटन स्थल बन चुका है और छोटे से चार धाम में से एक है जो 3,293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो यमुना में स्नान करने से जीवन के अंतिम समय में मृत्यु दर्द रहित हो सकती है। केदारनाथ। उत्तराखंड का पर्यटन स्थल केदारनाथ अपने प्राचीन शिव मंदिर, तीर्थ स्थल, हिमालय पर्वतमाला और मन को तृप्त कर देने वाला दृश्य के लिए एक लोकप्रिय केदारनाथ है। केदारनाथ मंदिर चोराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ की चोटियों से घिरा हुआ है। केदारनाथ में बर्फ ढकी चोटियों के साथ साथ अनगिनत पर्वतमालाएं भी हैं। इसके बाद एक लास्ट और है, गंगोत्री। उत्तराखंड दर्शनीय स्थल गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित एक तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथाओं की माने तो सदियों पहले राजा भगीरथ की तपस्या के बाद देवी गंगा ने उनके पूर्वजों के पापों को धोने के लिए खुद को एक नदी के रूप में प्रभावित किया, लेकिन ऊंचाई से गिरते हुए जल के बैग में कम करने वाले भगवान शिव ने अपनी जटाओं से उस जल को समा लिया। गंगा नदी के इस स्थान को भागीरथ भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।